हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसएन मिक्स चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग ने एलजी के एक नए टीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कोई प्लानिंग किया है कि कोई बड़ा डिस्प्ले वाला टीवी खरीदेंगे और आपका बजट 70,000 रुपया से कम है, तो ये टीवी आप ले सकते हैं। ये टीवी आपके लिए सही होगा। तो ये एलजी का टीवी है, तो इसका मॉडल नंबर है 55UN7300PTC। ये एलजी स्मार्ट अल्ट्रा एचडी 4K एलईडी टीवी होगा। ये 2020 का मॉडल है। तो इस टीवी को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोडक्ट लिंक रहेगा। प्रोडक्ट लिंक से खरीदेंगे तो आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 4K अल्ट्रा एचडी टीवी होगा। इसका रेजोल्यूशन होगा 3840x2160 पिक्सल्स। सो 3840x2160 पिक्सल्स रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज। तो चलिए देखते हैं इसका फुल फीचर्स, टेक्निकल डिटेल एंड प्राइस, मतलब फीचर्स एंड डिटेल्स। रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी टीवी होगा ये। इसका रेजोल्यूशन होगा 3840x2160 पिक्सल्स, 3840x2160 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रहेगा। एंड रियल 4K डिस्प्ले आएगा इसमें। वेब ओएस ब्रांड एलजी, ये एलजी ब्रांड का होगा। मैन्युफैक्चरर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। मॉडल नंबर होगा 55UN7300PTC एंड प्रोडक्ट डायमेंशन 23.1x124.4x78.6 सेंटीमीटर। तो 23.1x124.4x78.6 सेंटीमीटर ये टीवी का डायमेंशन रहेगा। एंड टीवी का वेट होगा 14.5 किलोग्राम, तो 14 kg 500 ग्राम इसका इस टीवी का वेट है। 2AA batteries रिक्वायर्ड एंड इंक्लूडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ओएस स्मार्ट टीवी, वेब ओएस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसी से आप टीवी को इंटरनेट चला सकेंगे। 4K रेजोल्यूशन आएगा। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट टीवी, AI ThinkQ विद बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट एंड अमेजन अलेक्सा, मैजिक रिमोट, AI एकॉस्टिक ट्यूनिंग एंड मिराकस स्क्रीन शेयरिंग। ऑल दिस फीचर्स अवेलेबल इन दिस टीवी। एंड डिस्प्ले टाइप IPS, इसमें क्या होता है कि पैनल जो होगा, ये जो LED टीवी का पैनल IPS पैनल रहेगा, इसमें बहुत ही बढ़िया पिक्चर आएगा। ब्राइटनेस, इसमें कलर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। डिस्प्ले एंड इमेज एस्पेक्ट रेशियो 16:9, 16:9 इसमें इमेज एस्पेक्ट रेशियो है। इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो 10:10 इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा। एंड स्पीकर सराउंड साउंड चैलेंज कॉन्फिगरेशन, वायरलेस साउंड, 2-way ब्लूटूथ, मतलब वायरलेसली आप इसमें बाहर से कुछ ब्लूटूथ से कोई भी डिवाइस, जैसे कि हेडफोन हुआ आपका, कुछ भी स्पीकर हुआ, वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकेंगे थ्रू दिस ब्लूटूथ। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन होगा ही, तो इसी से आप बाहर से भी इस टीवी को छोड़कर, टीवी में तो अलग से स्पीकर रहेगा ही, मगर बाहर से कोई अलग से कोई स्पीकर या चाहे हेडफोन से, हेडफोन भी वायरलेसली मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, अभी जो सब डिजिटल स्मार्ट हेडफोन भी है, तो इसमें आप कनेक्ट करके इसमें आप इसका साउंड, टीवी का साउंड सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं LG 55UN7300PTC स्मार्ट अल्ट्रा HD 4K LED टीवी 2020 मॉडल का फुल स्पेसिफिकेशन। तो जनरल स्पेसिफिकेशन, ब्रांड LG, ये LG ब्रांड का होगा। मॉडल 55UN7300PTC, 55 इंच LED 4K टीवी। तो इसका मॉडल नंबर होगा 55UN7300PTC। 55 इंच इसका डायगोनल इस टीवी का साइज होगा। 55 इंच का टीवी है और 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर का होगा। वारंटी 1 ईयर, 1 साल का वारंटी मिलेगा, मतलब टीवी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा 1 साल के अंदर इसको टीवी के कंपनी की तरफ से फ्री में रिपेयर कर दिया जाएगा। नाउ द बॉक्स कंटेंट्स, बॉक्स में क्या क्या आने वाला है अगर इस टीवी को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदेंगे, तो बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो व्हेन यू परचेस दिस आइटम ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच एसेसरीज इन दिस बॉक्स, आप एक बार देख ले, चेक कर लीजिएगा। बॉक्स के अंदर होगा टेलीविजन, टेलीविजन तो रहेगा ही, रिमोट कंट्रोल, टीवी को ऑपरेटिंग करने के लिए रिमोट कंट्रोल रहेगा, बैटरीज रहेगा, वॉल माउंट, टीवी को वॉल में सेटिंग करने के लिए वॉल माउंट रहेगा, यूजर मैनुअल, टीवी को सेटिंग करने के लिए यूजर मैनुअल रहेगा, एंड वारंटी कार्ड, 1 साल का वारंटी कार्ड मिलेगा। एंड टेबल टॉप स्टैंड, टेबल में बैठाने के लिए आप देख रहे हैं, टेबल टॉप स्टैंड भी रहेगा। सो ऑल दिस एसेसरीज इन दिस बॉक्स व्हेन यू परचेस दिस आइटम ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोडक्ट लिंक दिया हुआ है, प्रोडक्ट लिंक से खरीदेंगे तो आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। नाउ द डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, टाइप एलईडी, एलईडी पिक्चर आएगा, साइज 55 इंच और 140 सेंटीमीटर, 55 इंच इसका डायगोनल इसका साइज होगा। रेजोल्यूशन 4K टीवी होगा। इसका रेजोल्यूशन होगा 3840x2160 पिक्सल्स, तो 3840x2160 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन आएगा। रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इस टीवी का रिफ्रेश रेट होगा। एंड एस्पेक्ट रेशियो 16:9, 16:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा। हॉरिजॉन्टल व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्रीज, 178 डिग्री हॉरिजॉन्टल व्यूइंग एंगल्स एंड वर्टिकल व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्रीज, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्री होगा। एंड 3DV नो, कर्व टीवी नो एंड अल्ट्रा स्लिम टीवी नो, तो ये 3DV भी नहीं है, ये स्मार्ट टीवी, अल्ट्रा स्लिम टीवी भी नहीं है एंड कर्व टीवी नहीं है, दिस इज द स्मार्ट टीवी ओनली। तो ये स्मार्ट टीवी होगा, 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी।
एंड अदर डिस्प्ले फीचर्स, क्वांटम प्रोसेसर 4K, HDR हाई डायनामिक रेंज, HDR प्रो, वाइट कलर एनहांसर, ऑल दिस डिस्प्ले फीचर्स अवेलेबल इन दिस टीवी। तो इसमें 4K रहेगा, HDR हाई डायनामिक रेंज प्रो एंड वाइट कलर एनहांसर, फिजिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन कलर ब्लैक, ये काला कलर का आएगा, वेट विदाउट स्टैंड, मतलब स्टैंड छोड़ के सिर्फ टीवी का वेट होगा 14.3 kg, मतलब 14 kg 300 इस टीवी का वेट होगा, एंड वेट विद स्टैंड, मतलब स्टैंड लगा के इस टीवी का वेट आएगा, स्टेबल स्टैंड जो टेबल टॉप होगा, टेबल में बैठाने के लिए जो स्टैंड आएगा उस टीवी के साथ उस स्टैंड को लेके वजन आएगा 14 kg 500, 14.5 kg, 14 kg 500, टेबल विथ टेबल स्टैंड विथ टीवी, मतलब स्टैंड लगा के डायमेंशन विथ हाइट एंड डेप्थ 1244 × 781 × 232 mm, टीवी के साथ स्टैंड लगा के टीवी का डायमेंशन आएगा, एंड डायमेंशन विदाउट स्टैंड, मतलब स्टैंड छोड़ के सिर्फ टीवी का डायमेंशन आएगा 1244 × 726 × 87.1 mm, तो सिर्फ टीवी का डायमेंशन होगा 1244 × 726 × 87.1 mm। स्टैंड कलर ब्लैक, ये काला कलर का आएगा, आप देख रहे हैं स्टैंड को ब्लैक कलर का आएगा, एंड वॉल माउंट भी ब्लैक कलर का आएगा, वॉल माउंट एंड जो टेबल टॉप दोनों का कलर ही ब्लैक आएगा, एंड स्टैंड फीचर स्लिम बेजल एंड स्लिक, मतलब इसमें स्लिम टीवी होगा एंड बेजल भी स्लिक होगा, पतला होगा। नाउ द वीडियो स्पेसिफिकेशन, डिजिटल टीवी रिसेप्शन फॉर्मेट DVB एंड एनालॉग टीवी रिसेप्शन फॉर्मेट ACCAM एंड वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेड MP4 MPEG। तो इसमें अगर आप पेन ड्राइव, स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, किसी की DSLR कैमरा कहीं से भी आप इसमें टीवी से कनेक्ट करके आपको आप वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इसमें MP4 एंड MPEG का वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेड होगा, दूसरा कोई फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं आएगा, एंड इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड JPEG, PNG। एक ही तरफ से अगर बाहर से कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करके अगर कोई पिक्चर देखना चाहते हैं तो JPEG एंड PNG का होगा, तो इस फॉर्मेट को इसमें सपोर्टेड आएगा, दिखेगा, शो करेगा, दूसरा कोई फॉर्मेट शो नहीं करेगा। अपस्केलिंग, यस, अपस्केलिंग फीचर्स भी इस टीवी में रहेगा। नाउ द ऑडियो फीचर्स, ऑडियो स्पेसिफिकेशन, साउंड टाइप 2.0, ऑडियो फॉर्मेट सपोर्टेड AAC MP3 WMA, ऑल दिस ऑडियो फॉर्मेट सपोर्टेड इन दिस टीवी, मतलब MP3 का होगा, WMA, AAC, ये सब कोई किसी भी कहीं से भी आप डिवाइस से बाहर से कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करके इस टीवी के साथ आप इस फॉर्मेट का होगा तो ऑडियो चलेगा इस टीवी में, मगर दूसरा कोई फॉर्मेट होगा तो सपोर्टेड नहीं होगा, चलेगा नहीं। नंबर ऑफ स्पीकर 2, दो स्पीकर होगा इस टीवी में, दो स्पीकर है इनबिल्ड रहेगा, एंड आउटपुट पर स्पीकर 10W करके पर स्पीकर में आउटपुट रहेगा, सो टोटल स्पीकर आउटपुट 2 × 2 × 10 is equal to 20W टोटल स्पीकर आउटपुट, 20W इसमें टोटल स्पीकर आउटपुट रहेगा। स्पीकर फ्रीक्वेंसी रेंज 50 to 60 Hz स्पीकर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, एंड टोटल सबवूफर आउटपुट 10W, एंड अदर स्मार्ट ऑडियो फीचर्स ऑटो वॉल्यूम लेवलर बैलेंस क्लियर वॉइस 3 एंड अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ ऑडियो फीचर्स इस टीवी में रहेगा। एंड नाउ द कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स, तो कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स फीचर्स में देखेंगे तो USB पोर्ट्स दो USB पोर्ट्स रहेगा, USB सपोर्टेड ऑडियो वीडियो इमेज, USB से आप ऑडियो वीडियो इमेज कुछ भी आप देख सकते हैं, मतलब पेन ड्राइव लगा के आप सिंपली, पेन ड्राइव तो USB पोर्ट्स होता है, या चाहे आप स्मार्टफोन या चाहे टैब, लैपटॉप, PC, DSLR कैमरा कहीं से भी आप USB से ऑडियो वीडियो इमेज इसमें टीवी में देख सकते हैं। नाउ द HDMI पोर्ट्स, HDMI 3 HDMI पोर्ट्स रहेगा, तो इसका भी एक ही फंक्शन है, लाइक USB की तरह ये HDMI भी एक ही काम करता है, मगर HDMI कभी कभी लगता है कहीं कहीं डिवाइस दिया रहेगा, मतलब इसमें 3 HDMI पोर्ट्स है एंड 2 USB पोर्ट्स है, बाहर से कोई भी कनेक्ट करके आप ऑडियो वीडियो इमेज कुछ भी आप देख सकते हैं। नाउ द डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट पोर्ट्स 1, ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट्स एक ही रहेगा, RF एनालॉग कॉक्सियल पोर्ट्स 1 एंड ईथरनेट सॉकेट्स 1, तो बाहर से केबल लाइन या चाहे दूसरा कोई भी लाइन लगाने के लिए एक एक पोर्ट रहेगा, डिजिटल कॉक्सियल पोर्ट एक रहेगा, RF इनपुट एनालॉग कॉक्सियल पोर्ट एक रहेगा, ईथरनेट सॉकेट्स भी एक रहेगा। तो स्मार्ट टीवी, यस, स्मार्ट टीवी होगा, वाईफाई प्रेजेंट, वाईफाई भी रहेगा, अब वाईफाई से बाहर से कहीं भी कनेक्ट करके आप वाईफाई से डायरेक्टली कुछ इंटरनेट चला सकेंगे, एंड बैंड सपोर्ट सिंगल बैंड इसमें सपोर्टेड आएगा, मिरर का स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट, यस, मिरर का स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट रहेगा, मतलब अब मोबाइल या टैब इसमें कहीं से भी अब जो डिस्प्ले आएगा इसमें स्मार्ट व्यू की तरह से कनेक्ट करके आप डायरेक्टली मोबाइल का व्यू इस टीवी में आप देख सकते हैं, तो इसमें स्क्रीन मिररिंग सपोर्टेड आएगा।
एंड ब्लूटूथ अवेलेबल, ब्लूटूथ सपोर्टेड इन दिस टीवी, ब्लूटूथ भी रहेगा इस टीवी में, एंड इनबिल्ट एप्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, G5, यूट्यूब, ऑल दिस इनबिल्ट एप्स, प्री इंस्टॉल्ड एप्स इन दिस टीवी। तो ये सब एप्स प्री इंस्टॉल्ड रहेगा इस टीवी में। फेसबुक एंड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन रहेगा इस टीवी में, मतलब आप चाहे जब चाहे मन चाहे तो आप सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, ये सब कुछ आप डायरेक्टली देख सकेंगे, इसमें ऑपरेटिंग कर सकेंगे थ्रू दिस रिमोट, मैजिक रिमोट रहेगा इसके साथ। गेम्स, कुछ प्री इंस्टॉल गेम्स भी रहेगा, आप गेम्स भी डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकेंगे थ्रू दिस रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से आप गेम भी चला सकेंगे। नाउ वॉइस रिकॉग्निशन, ये फीचर्स भी रहेगा, वॉइस रिकॉग्निशन, AI थिंक यू, LG AI थिंक यू, ये रहेगा, मतलब वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स रहेगा इस टीवी में। नाउ द अदर स्मार्ट टीवी फीचर्स, ऑल शेयर, कनेक्ट शेयर, डिस्प्ले मिररिंग, DLNA, इजी लिंक, HDMI, CEC, वन टच कनेक्ट, रिमोट शेयरिंग, स्क्रीन कास्टिंग, स्मार्ट शेयर, स्मार्ट व्यू, Wi-Fi डायरेक्ट, ThinkQ AI, LG स्टोर एंड लाइव मेन्यू, ऑल दिस स्मार्ट फीचर्स अवेलेबल। नाउ द रिमोट कंट्रोल फीचर्स, रिमोट कंट्रोल के बारे में देखेंगे तो इसमें यूनिवर्सल कंट्रोल प्रेजेंट, यस यूनिवर्सल कंट्रोल प्रेजेंट इसमें रहेगा। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस इस रिमोट कंट्रोल से ही आप एक्सेस करेंगे, एंड अदर रिमोट फीचर्स, स्मार्ट कंट्रोल, इस रिमोट को, रिमोट के सहायता से ही आप इस टीवी को ऑपरेट कर सकेंगे। सो ओनली दिस इज द ओनली रिमोट, स्मार्ट रिमोट एंड मैजिक रिमोट रहेगा इस टीवी के साथ। एंड पावर सप्लाई, वोल्टेज रिक्वायरमेंट 100 to 240 volts, जो घरेलू वोल्ट होता है, जो घर में पंखा बत्ती चलाने के लिए जो मैंने कम से कम जो मिनिमम वोल्टेज होता है 100 to 240 volts, उसी से चलेगा, कोई हाई वोल्टेज या कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल घरेलू वोल्ट से चलेगा 100 to 240 volts रिक्वायरमेंट। फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड 50 to 60 hertz, 50 to 60 hertz इसमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होता है। एंड पावर कंजम्पशन स्टैंड बाई 0.5 watt, पावर कंजम्पशन इसमें 0.5 watt का रहेगा। तो दिस इज द फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस LG 55UN7300 PTC 55 inch LED 4K टीवी स्पेसिफिकेशन। LG 55UN7300 PTC स्मार्ट अल्ट्रा HD 4K LED टीवी 2020 मॉडल का कीमत होगा 64,299 रुपये भारतीय मुद्रा पर, तो 64,299 इन इंडियन करेंसी। तो इस टीवी को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोडक्ट लिंक है, प्रोडक्ट लिंक से खरीदेंगे तो आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट्स इट, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कुछ कॉमेंट्स करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड इस टीवी को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट्स इट एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, थैंक यू।